जी ना, सारा कहाँ है? सारा अपने रूम में होगी भाई। अच्छा चलो मैं इसको लेके जा रहा हूँ। सॉरी, रियली सॉरी। मुझे वो शिवा, तुमसे औलाद वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर। इट्स ओके हसन, मैंने माइंड नहीं किया। नहीं मानो, इट्स नॉट ओके। मैं जानता हूँ तुमने माइंड किया। मुझे वाकई बुरा नहीं लगा हसन, मुझे बस दुख हुआ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा सोचते हैं। पता नहीं मानूर, मुझे हो क्या जाता है जब मैं सारा की आंखों में आंसू देखता हूँ। तो मैं अपने कंट्रोल से बाहर निकल जाता। मेरी एक ही बहन है, मैं उससे बहुत प्यार करता। मैं नहीं चाहता कि उसको तकलीफ पहुंचे किसी भी किस्म की, इसलिए मेरा सारा गुस्सा तुम पे निकल आया। मगर मानूर, तुम्हारी भी तो गलती है ना। पता नहीं क्यों तुम सारा से ज्यादा उस आदिया की तरफ तारीफ करती रहती हो। हालांकि तुम्हारा बचपन से लेकर स्कूलिंग तक टाइम सारा के साथ गुजरे, लेकिन फिर भी तुम हादिया की तरफ हो। मैं किसी की साइड पर नहीं हूं ऐसे। मेरे लिए सारा और हादिया दोनों बराबर हैं। दोनों मेरी कजन्स हैं, दोनों मेरी बहनों जैसी हैं। मनोर ये मत भूलो कि सारा के साथ तुम्हारे और भी कई रिश्ते हैं। तुम्हारी भाभी है वो, और तो और तुम्हारे शौहर की लाडली बहन। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं बहुत चाहता हूँ। तुम दुखी होती हो, तकलीफ होती है मुझे, आई प्रॉमिस दोबारा ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस। तो फिर क्या सोचा तुम लोगों ने? उमेर के घर वाले इस जुमे का कहकर गए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, वो लोगों को इतनी जल्दी क्या है? मेरा ख्याल है इसी जुमे को दोनों बच्चों का निकाह कर देते हैं। भाभी जान, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जैसे तुम लोगों की मर्जी। वैसे भी जुमे का दिन बहुत मुबारक दिन होता है। समीना तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। तो बस ठीक है, मैं आसिम को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ।
से पूछो के तुम मेरे क्या। जुहेब, जुहेब सॉरी, कुछ कह रही थी। कहाँ खोए हुए हो तुम? दिलों का सुकून है। सॉरी, मैं सुना नहीं। कोई आया था? उमेर के घर वाले आए थे, जा चुके। अगर ये खता हो तो फिर भी करेंगे, अगर ये खता हो मेरे दिल से पूछो के तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो के तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो के तुम मेरे क्या हो। अगर दिल ना माने तो तुम छोड़ जाना, बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। क्यों छोड़ा जुहेब तुमने मुझे? काश काश तुम मुझे नहीं छोड़ते। आज मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं होती। मैं क्या करूं? कहीं मेरे दिल में अभी भी तुम तो नहीं हो? तुम मेरे क्या हो? कोई रिश्ता नहीं है मेरा अब तुमसे, कोई नहीं। मम्मी क्या हो गया आपको? चीज़ अपना मूड तो ठीक कर लें। अब आपको पता है वहां पे भी सब यही नोट कर रहे थे कि आपका कैसे मुंह बना हुआ है। मेरा मुंह है ही ऐसा। मम्मी मेरी बात सुने, पहले दिन से आपने जितनी भी शर्तें रखी हैं मैंने सब मान ली हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे इतने बड़े दिन पे मेरी माँ मुझसे नाराज हो। और आपको पता है हादिया भी वहां पर यही कह रही थी कि उसे लगता है कि मुमानी जान अब तक हमारी शादी से खुश नहीं है। क्या हुआ है अम्मी, मुझे बताएं तो सही। उमेर, तुम्हें अभी भी परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि हादिया क्या सोच रही थी? अपनी माँ के बारे में सोचा है कभी तुमने? गलती की मैंने जो तुम्हारे और तुम्हारे बाप के साथ वहां चली गई। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, आई एम सॉरी ना। I'm sorry अगर मेरी बात से आप नाराज हो गए। प्लीज़।